नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। पूर्व मंत्री रीवा विधायक ने 2023 में रीवा को विकास की कई नई सौगात देने की बात कही। सुपर अस्पताल 400 बिस्तरों का होगा, एयरपोर्ट बनाने के सभी रास्ते सारी बाधाएं दूर, जल्द ही नए रूप में दिखाई देगा रीवा का एयरपोर्ट। हमारी टीम ने राजेश शुक्ला पूर्व मंत्री से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। पूर्व मंत्री रीवा विधायक ने आज पत्रकार वार्ता करके 2023 की सरकार की योजनाएं रीवा के विकास का एक खाका पत्रकारों के साथ साझा किया। उनका साफ तौर से कहना था, सुपर अस्पताल जिस मकसद से बनाया गया था उसमें कामयाब होता दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में एक ही दिन में 2 ओपन हार्ट सर्जरी के बाद हम सुपर अस्पताल में मरीजों की लगातार संख्या को देखते हुए 250 की जगह 400 बिस्तर का अस्पताल बनाने का प्रयास करने जा रहे हैं। उनका ये भी कहना था, रीवा में बाढ़ सागर की नहर ने जिस तरीके से रीवा का विकास किया उसको देखकर बाढ़ सागर की नहरों का जाल हम उस इलाके में भी बिछाने जा रहे हैं जहां पर अभी ये नहीं पहुंची है। रीवा एयरपोर्ट बन जाने के बाद रीवा का चौमुखी विकास होगा। अभी हम जब बड़े उद्योग की बात करते थे तो लोगों का सबसे पहले यही कहना होता था, रीवा में एयरपोर्ट है या नहीं। तमाम तरीके की सुविधाएं होने के बावजूद एयरपोर्ट ना होने की वजह से इस इलाके में बड़े कारखाने नहीं आ रहे थे। अब एयरपोर्ट बनने जा रहा है, पैसा आ चुका है, जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई अंतिम चरण में है, शीघ्र एयरपोर्ट का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व मंत्री रीवा विधायक क्या कुछ कह रहे हैं। प्रयागराज की तरह सिलपरा से बेला जो रिंग रोड बनाई जा रही है उससे 500 मीटर की अप्रोच रोड बनेगी, जो वो टर्मिनल बिल्डिंग नई बनेगी जो आजकल आधुनिक बनती है, तो सीधी से और सिंगरौली से और शहडोल से और मैहर से और सतना से आने वाले लोग हवाई अड्डा पकड़ने के लिए, हवाई जहाज पकड़ने के लिए जब आएंगे तो ये सुविधा अभी भोपाल में और प्रयागराज में नहीं है। भोपाल 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं हम जमुना पुल और फिर 1 घंटे में हम पहुंच पाते हैं वहां से हवाई अड्डा, लेकिन यहां पर रीवा के हवाई अड्डा में आने के लिए लोग रीवा शहर नहीं आएंगे, रिंग रोड से सीधे वो बेला से सिलपरा रिंग रोड को पकड़ेंगे और वहां से अप्रोच रोड से सीधे हवाई अड्डा के टर्मिनल में पहुंच जाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग योजना बना रहे हैं कि भविष्य में लोगों को आसानी से इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। जो एविएशन डिपार्टमेंट को जानने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि इंदौर के बाद सबसे बिजी एयरपोर्ट आने वाले 4-5 वर्षों में रीवा हो जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सीमेंट हब है, ये पावर हब है। सिंगरौली की रोड जिस दिन बन जाएगी, तो आज रीवा से कल हम बहरी गए थे तो पता ही चला बहरी चले गए और बहरी से आ गए तुरंत होते हुए। सिंगरौली तक रोड बन जाएगी तो वहाँ पर NTPC है, वहाँ पर NCL है, वहाँ पर हिंडालको है, वहाँ पर SR है, वहाँ पर बिरला है, इतने ऑथराइज्ड फ्लायर हैं कि वो 5 घंटे में पहुँचते हैं बनारस, 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे रीवा। तो यहाँ पर से हवाई जहाज़ लेना वो पसंद करेंगे। तो सबसे बिजी एयरपोर्टों में 4-5 वर्षों के अंदर आप देखिएगा, हवाई अड्डा बनने तो दीजिए। रेलवे स्टेशन जब बना था तो 15-20 साल तक तो एक ही ट्रेन चली ना, लेकिन आज 12 ट्रेनें चल रही हैं। वाली पीढ़ी को हम ऐसा रीवा नहीं छोड़ सकते थे जो लोग कोई भी सड़क चलते कह दे कि बहुत पिछड़ा इलाका है। अब कोई हिम्मत नहीं करता, भोपाल में भी बात करते हैं तो जब पर्चे मिलते हैं तो यही कहते हैं साहब रीवा तो बदल गया, रीवा में तो सब पहचान ही में नहीं आता। ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि रीवा बहुत पिछड़ा है और हम लोगों को तकलीफ होती थी। हमारा रीवा जैसा भी था, यदि कोई उसको पिछड़ा और दबा हुआ और कुचला हुआ कहता था तो हम लोगों को तकलीफ होती थी, लेकिन आज खुशी होती है कि वो घबरा, वो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रीवा उनसे आगे निकल जाए। तो लोकतंत्र में जो जनता की ताकत है, ये श्रेय पूरा जनता को है कि लगातार रीवा में पिछले 20 सालों से उन्होंने अपना भरोसा कम नहीं किया, जिसके कारण हौसला बढ़ता चला गया और मजबूती के साथ उन सारे मोर्चों में काम करने में प्रयास हुए और सफलता भी मिली। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।
और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।